वेलकम गाइस, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और इस कंसेप्ट ने मेरी ट्रेडिंग जर्नी को बिल्कुल चेंज करके रख दिया। देखिए, जब मैं एक मेंटरशिप प्रोग्राम में था अपने मेंटर के साथ, तो उन्होंने ऑलमोस्ट पूरी जो प्राइस एक्शन एनालिसिस है, जो प्रोप्राइटरी मेथड है, उन सारी चीज़ों को सिखाने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी मिसिंग थी जब मैं पूरे ट्रेंड को राइट नहीं कर पाता था, और जिस तरह की सोच जो सेटिस्फैक्शन होना था वो सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था। तो जब इस कंसेप्ट से मेरे मेंटर ने जब मुझे इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद के सारे ट्रेड्स रिफाइंड होना शुरू हो गए। उसके बाद जो थिंकिंग पावर थी, थिंकिंग एबिलिटी थी, उसमें काफ़ी इन्हांसमेंट आने लगा। ये जो कंसेप्ट है वो एडवांस लेवल के हैं और जो बिगनर हैं उनके लिए ये चीज़ें नहीं हैं। तो देखिए, जब जो ट्रेड्स होते हैं, जो ट्रेड हम लोग सीखते हैं, तो प्रोप्राइटरी मेथड के तरीके से जो ट्रेड्स होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं टेक्निकल एनालिसिस से। इसमें आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक ट्रेंड को राइड करने के पीछे रीजंस मिलते हैं, लॉजिक्स मिलते हैं, और आप क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। तो मेरे जो मेंटर थे, उन्होंने पूरी जब मेरे कोर्स ख़त्म हो गए उसके बाद इस लॉजिक से उन्होंने कहा कि आप इस कंसेप्ट को देखो, और जब उन्होंने इस कंसेप्ट को बताया तो कुछ दूसरे तरीके से चीज़ें दिखने लगी जो पहले विजिबल नहीं थी, बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। उनका एक कहना था कि एग्जैक्टली वही लाइंस मैं बता रहा हूँ कि जो वो मुझे उन्होंने बताया कि इफ़ यू डोंट नो व्हाई एंड हाउ ऑफ अ ट्रेड You are not allowed to initiate a trade। मतलब ये है कि अगर आप why and how, आप उसके reasons नहीं समझते हैं, then you are not allowed to take a trade। All right? इसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, why and how of a trade। अब why का मतलब क्या होता है? Why का मतलब है क्यों, हाउ का मतलब है कैसे। अब देखिए, ये काफ़ी वर्ड सिंपल है लेकिन इसकी मीनिंग काफ़ी डेप्थ है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है इसकी मीनिंग में। अब जैसे नॉर्मली देखिए कि जो भी रिटेल ट्रेडर्स या जो भी टेक्निकल एनालिसिस मार्केट में हम लोगों ने सीखा है, वो चीज़ें कैसे चेंज हो जाती है जब आप ये क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देते हैं। वैसे देखिए, मेरा जो मैंने जो ट्रेडिंग कर रहा था उसमें इस कंसेप्ट को किस तरीके से मैंने अप्लाई किया कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले मुझे एक हाफ पेज का एक नोट लिखना था। उस नोट में मुझे ये लिखना था कि मैं ये ट्रेड जो इनिशिएट कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे रीजंस क्या है, और मुझे पेज फिल करना था। फिर जो हाफ पेज जो बचा है उसमें ये लिखना था कि मूवमेंट किस तरह से होगी। जैसे आप मान लो कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि मार्केट चौपी वे में मूव कर रहा है, तो जब अगर हम लोग यहाँ इस लेवल से इनिशिएट कर रहे हैं ट्रेड को, तो वो पहले ही पेपर पे लिखना है कि ठीक है, अगर मूवमेंट होगी तो कैसे होगी, किस तरीके से होगी, एग्रेसिव होगी या स्लो होगी, ठीक है। और देखिए, हाउ जो है, हाउ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वाई, क्योंकि जब आप ट्रेड लेते हैं तो हम लोग इस वाई तक ही, जैसे आप किसी भी जगह पर आप इस लेवल से सेलिंग दे रहे हो तो आपको ये नहीं पता है कि ठीक है मूव में, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी करके बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग चीज़ों को देखते हैं। जैसे किसी एक लेवल से अगर आपको सेल ट्रेड लेना है तो वहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि अगर इस लेवल पर ये चीज़ें हो तो मार्केट इस तरह हो जाएगा, अगर मगर ये सारी चीज़ें नहीं, एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। एक अगर आप बोलो कि ठीक है आपकी एनालिसिस है मार्केट नीचे मूव करेगा तो मूव करेगा, उसमें कोई इफ एंड बट की जगह नहीं होनी चाहिए, तो वो होती है एक्यूरेसी, वो होती है 100%। तो फर्स्ट रीज़न जो है वो है वाई। वाई का मतलब ये ट्रेड आपको क्यों लेना है, उसके रीजंस होने चाहिए। आप ये ट्रेड क्यों इनिशिएट कर रहे हो, इसके पीछे रीजंस क्या है, कौन कौन से ऐसे रीजंस है जो आपके आपका जो इंटरप्रिटेशन है वो उसको एक फोर्स देते हैं,
वो एक आप समझते हो ना, उसको बल दे रहे हैं वो कौन से रीजन से। और उसके बाद जो कंसेप्ट है हाउ, मतलब किस तरह से आएगा। तो जब तक आप व्हाई के आंसर्स नहीं ढूंढ पाते हो, हाउ के भी आंसर्स आप कभी पहुंच ही नहीं सकते। चलिए इस चीज को मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ। सन फार्मा का चार्ट देखिए किस तरीके से चीजें होती हैं। देखिए मोस्टली जो टेक्निकल एनालिसिस आप जानते हैं या फिर मार्केट में जितने भी लोगों को सिखाया जाता है, वो किस तरह से सिखाया जाता है। फर्स्ट जो होता है कि ठीक है, आप अगर ओवरऑल आप इसको देख रहे हो तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। 1 आवर का चार्ट है, ट्रेंड विजिबल है कि हमेशा सेल एट रेसिस्टेंस। अगर आपको ट्रेंड देख रहे हो निगेटिव है तो क्या करना होता है, सेल एट रेसिस्टेंस। ठीक है, तो अभी मार्केट इस लेवल पर है 950 के आसपास यहाँ। तो रीसेंट जो मार्केट ने यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, अब इसके बाद अगर देखते हैं तो यहाँ पर सेलिंग आई। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस। एक चीज़ और मिसकंसेप्शन है कि जो डिमांड एंड सप्लाई है ना, डिमांड एंड सप्लाई एक अलग थ्योरी है और टेक्निकल एनालिसिस अलग। ऐसा नहीं है, लोग इस कंसेप्ट को अलग अलग बताते हैं पढ़ाते हैं, लेकिन वो भी डिमांड एंड सप्लाई भी टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट ही है। अब देखिए ये ट्रेंड क्या है, निगेटिव डाउन ट्रेंड। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे जब मूवमेंट इतना, अब आप अगर जब ये मूवमेंट देख रहे हो तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक सप्लाई जोन का क्रिएशन हो रहा है। सप्लाई जोन कहाँ बन रहा है, इस लेवल पर, ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो यहाँ पर एक सप्लाई जोन है। जो लोग जो ट्रेडर्स हैं जो डिमांड एंड सप्लाई पे वर्क करते हैं, वो बेसिकली क्या करेंगे कि इस लेवल पर एक सेल ऑर्डर पंच करके बैठ जाएंगे। और इन्हें कोई इंटरप्रिटेशन से मतलब नहीं है, बस मार्केट इस लेवल पर अगर उन्होंने एक सप्लाई को आइडेंटिफाई किया, ठीक है, तो उन्होंने क्या करेंगे, इस लेवल पर मार्केट आएगा तो वो सेलिंग करेंगे। तो ठीक है, जैसे देखिए मार्केट इस लेवल पर आया, मार्केट में सेलिंग हो गई। अब इसके बाद देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर मार्केट रुक रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, बार बार है, सो यहाँ भी लेवल का एक ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ भी लेवल का एक ब्रेकडाउन हुआ। तो यहाँ पर पोजीशन साइजिंग हो रही है। ठीक है, अब यही जो ट्रेडर्स हैं डिमांड एंड सप्लाई वाले, एक सप्लाई को देख के यहाँ पर ट्रेड को इनिशिएट कर रहे हैं। मतलब आप देखो कि पोजीशंस और भी बढ़ाना है कि मार्केट में फिर से एक ब्रेकडाउन हुआ और फिर से मुझे मूवमेंट मिलेगी। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आप देखिए एक और कैंडल, रेड कैंडल। तो यहाँ पे कंफर्मेशन और हो गई, और भी कंफर्मेशन। तो पोजीशन साइजिंग उन्होंने कर ली, और भी पोजीशंस को ऐड अप कर लिया, स्केल अप कर लिया। उसके बाद देखिए मार्केट में मूवमेंट, अब ये बाइंग आ गई। अब ये बाइंग आएगी तो फिर ये सेलर क्या करेगा, एग्जिट करेगा या तो स्टॉप लॉसेस हिट हुए। अब ये वाले जो जहां पर इन लोगों ने एक सप्लाई को देख के सेलिंग की थी, वो क्या करेंगे, वो भी इस लेवल पर, जब या तो इस लेवल पर एग्जिट हो जाएंगे, नहीं तो जब इस लेवल पर मार्केट आएगा तो उनके इस लेवल पर मार्केट आएगा तो एसएल यहां पर लगा के बैठे हैं, और इस वीक ने उनके एसएल को हिट कर दिया। अब इसके बाद देखते हैं मार्केट में, अब इस स्टॉप लॉसेस ये वाले तो हिट हो गए। अब जो लोग रेसिस्टेंस समझ के मार्केट में सेलिंग करते हैं, वो क्या करेंगे इस लेवल पर फिर से, कि मार्केट बार बार इस लेवल पर रेसिस्टेंस ले रहा है, एक शूटिंग स्टार का भी फॉर्मेशन हुआ है, रीटेस्ट भी हुआ और मार्केट में सेलिंग आ रही है, वो इस लेवल पर फिर से सेल करेंगे। ठीक है, फिर से सेलिंग आई। तो देखिए फर्स्ट कंसेप्ट, मैं कंसेप्ट्स को भी यहाँ पर लिख देता हूँ। फर्स्ट कंसेप्ट पे अलग अलग चीज़ों को हम लोग करके देखेंगे। सेल एट रेसिस्टेंस, ये कॉमन चीज़ है, बाय एट सपोर्ट एंड सेल सेल एट रेसिस्टेंस। ठीक है, तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि मार्केट जब इस लेवल पर आता है 940 के लेवल पर, तो यहां से फिर से सेलिंग देखने को मिल रही है। अब इसके बाद देखिए होता क्या, इनके एसएल हिट, अब मार्केट इस लेवल पर आया, यहां पर रीसेंट सपोर्ट था। ठीक है,
और इस लेवल पर फिर से जब ये रेड कैंडल बनती है, तो यहाँ पर आप देखिए कि काफ़ी सारे ट्रेडर्स यहाँ पर सेल करेंगे कि ठीक है, मार्केट एक अच्छा ही बहुत बड़ा रेसिस्टेंस था, यहाँ पर फिर से सेलिंग आएगी और यहाँ पर वो सेल ट्रेड लेते हैं। तो देखिए, डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ सेकेंड हम लोग ये भी लिख देते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई, दो चीज़ें हम लोगों ने देखी, सेल एट रेसिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई। तो ये जो है एक सप्लाई जोन, वो भी वायलेट होता है और देखिए मार्केट में इस तरह की मूवमेंट आ जाती है। तो अब आप देखो कि एक तो इस लेवल पर रेसिस्टेंस, यहाँ पर भी रेसिस्टेंस था इस लेवल पर, यहाँ पर भी रेसिस्टेंस के थ्रू लोगों ने यहाँ पर सेल किया। आप देखो एक सप्लाई जोन का क्रिएशन हुआ, सप्लाई जोन से भी जो जिन लोगों ने सेलिंग की उनके भी स्टॉप लॉसेस हिट हुए और यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रेकआउट आ गया। अब जो ट्रेडर्स आते हैं वो ये कहेंगे कि ठीक है, चलिए कुछ ऑसिलेटर्स को हम लोग देख लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कि मोस्ट जो फेमस इंडिकेटर है उसे भी हम लोग प्लॉट करके देख लेते हैं। तो इंडिकेटर जैसे हम लोग ले लेते हैं RSI, ठीक है, RSI को हम लोगों ने प्लॉट किया। अब आप देखिए कि जब RSI यहाँ 60-70 को जब क्रॉस कर रहा है और उसके बाद वापस से इस एरिया में आ रहा है, तो यहाँ पर जैसे ही क्लोजिंग हो रही है RSI इंडिकेटर्स में, जो स्लोप आप देख रहे हैं, तो इसके बाद ये जो क्लोजिंग हो रही है ना अंदर, तो यहाँ पर कई सारे ट्रेडर्स जो इसे एक सेल ट्रेड समझ के यहाँ पर एक सेल ट्रेड लेंगे। ठीक है, ऑसिलेटर है आप देखिए RSI, और आप देखिए जब वो सेल ट्रेड लेंगे उसके बाद की भी मूवमेंट देखिए किस तरह की मूवमेंट है, मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि थर्ड जो ऑसिलेटर है, जैसे RSI, देखिए कंफ्यूजन कितना हो रहा है, एक ही जगह है, ट्रेंड को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, एक लेवल से मार्केट में जब सप्लाई जोन वाले भी फेल हो रहे हैं, आप देखो उसके बाद जो RSI है वो भी फेल हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई वो भी फेल हो रहा है। ठीक है, एक और चीज़ है कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ठीक है सही में ये अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है, कई लोग मूविंग एवरेजेस का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं, मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज 200 का यूज किया जाता है। ऑलराइट, अब देखिए 200 के मूविंग एवरेज, अब कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं जो यहाँ इसे भी नोट कर लेते हैं, जो फोर्थ हम लोगों ने यूज किया मूविंग एवरेज। अब जो लोग मूविंग एवरेज 200 डे मार्क के पर जब वो वेट करते रहते हैं, उनको ट्रेड कब मिलता है, जब मार्केट, देखिए रेसिस्टेंस वाले को ट्रेड कब मिला, जब इस लेवल से मार्केट में फिर से रेड कैंडल बनी। डिमांड एंड सप्लाई वाले को सप्लाई जोन इन्होंने आइडेंटिफाई यहाँ किया, उनको ट्रेड कब मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला। अब देखिए रेसिस्टेंस पे सेल करने वाले को ट्रेड कहाँ मिला, यहाँ मिला, लेकिन तीनों फेल हो रहे हैं। उसके बाद फिर से अब सन फार्मा में अब 200 DMA का जो लाइंस के ऊपर जो ये बैठे रहते कि ठीक है इस लेवल से सेलिंग आएगी तो हम लोग सेल करेंगे, आप देखिए वो लोग यहाँ सेल करते हैं, फिर भी मार्केट अप अप मूवमेंट, वो भी फेल हो गए। और मैंने आपको दिखाया कि RSI से भी आपने देखा कि कैसे वो 70 के ऊपर है, रिजेक्शन है, वो लोग भी यहाँ सेल करते हैं, वो भी ट्रैप्ड हो जाते हैं मार्केट ऊपर। अब कुछ और ऐसे लोग हैं जो ट्रेंड फॉलोइंग विथ ऑसिलेटर्स, मतलब वो ट्रेंड को भी फॉलो करेंगे, सारी चीज़ों को मिला देंगे, वो सप्लाई भी यूज़ करेंगे, रेसिस्टेंस भी यूज़ करेंगे, मूविंग एवरेज भी यूज़ करेंगे, RSI भी यूज़ करेंगे, मनी फ्लो इंडेक्स भी यूज़ करेंगे, फिर भी मार्केट अगेंस्ट जा रहा है और मार्केट ऊपर हो रहा है। अब आप देखिए कि कंफ्यूजन कितना है, आप कुछ भी टेक्निकल एनालिसिस का आप इसमें से करो, आपको ये रिजल्ट्स नहीं मिलते,
आप इवन कि वाई तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं कि किसी एक लेवल पर कि क्यों इस लेवल से बाइंग आ रही है, सारी चीज़ें फेल क्यों हो रही हैं, इसमें जो है सो मूवमेंट अपोजिट क्यों हो रहा है, हम लोग वाई तक नहीं पहुंच रहे। हाउ तो दूर की बात है, जब तक हम लोग वाई तक नहीं पहुंचेंगे हाउ तक तो बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। देखिए जब इनमें से कोई भी चीज़ को आप यूज़ करते हैं तो कहीं कहीं प्रॉफिट होता है, नो डाउट प्रॉफिट होता है। जिन लोगों ने, अब मान लो कि यहाँ पर जिन लोगों ने इस कैंडल के बाद बाइंग होगी तो थोड़े प्रॉफिट्स मिले, लेकिन आपके कन्फ्यूज़न वहीं रह जाते हैं कि मार्केट इस लेवल के बाद ऊपर क्यों नहीं गया। किसी ने यहाँ पर अगर सेल किया, सेल और रेजिस्टेंस, तो उसको कुछ प्रॉफिट हुआ। अगर वो इस कैंडल, रेड कैंडल में जब गैप अप खुलता है मार्केट, तो वो एग्जिट हो जाता है, तो ठीक है उसे प्रॉफिट हुआ, लेकिन फिर उसे सेटिस्फैक्शन नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ कि मार्केट ऊपर आ रहा है, वो इस मूव को समझ क्यों नहीं पा रहा है। समझ रहे हैं आप? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके आपके पास वाई का आंसर नहीं है। अगर आपके पास वाई का आंसर होगा तो आप इस मूव को इस लेवल से कैप्चर कर पाएंगे और बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और इसके पीछे प्रॉपर रीजंस होंगे कि मार्केट इस लेवल तक जाएगा तो आपके पास आंसर्स होंगे कि क्यों जाएगा इस लेवल से, यहाँ से इस लेवल की जर्नी मार्केट क्यों शेयर करेगा। और फर्स्ट तो हो गया वाई, सेकंड कि ठीक है यहाँ पर ये जो एग्रेसिव कैंडल दिख रही है वो क्यों आ रही है, और मार्केट एक फ्लो में ही क्यों जा रहा है, इसमें रिट्रेसमेंट जो हो रहे हैं वो डीप क्यों नहीं हो रहे हैं, इसी लेवल से मार्केट ट्रेंड क्यों पकड़ रहा है, ये क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। इसलिए व्हाई एंड हाउ, इसका जो आंसर है वो सिर्फ आपको प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन से ही चीज़ें मिल सकती है कि आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि किसी एक लेवल से किस तरह से हम लोग इंट्रीज भी प्लान कर सकते हैं, एग्जिट भी प्लान कर सकते हैं, उसके बीच में जो ट्रेंड है, जैसे ठीक है आपने इंट्री प्लान की, आपने एग्जिट प्लान किया, और यहाँ पर सिंगल डायरेक्शन, एक तरफा और विथ 100% एक्यूरेसी कि एक मूवमेंट होगी तो इसी तरफ होगी, ठीक है, तो उससे वाई के आंसर्स मिलते हैं। ये चीज़ें कभी भी किसी भी इंडिकेटर्स, किसी भी ऑसिलेटर्स, या फिर किसी टेक्निकल एनालिसिस, डिमांड एंड सप्लाई, वीक ऑफ, किसी भी चीज़ों से ये चीज़ें नहीं पाई जा सकती। टेक्निकल एनालिसिस एक रूल बेस्ड अप्रोच है, और एक रूल से आप कभी भी यहाँ पर नहीं पहुँच सकते वाई तक, और वाई तक नहीं पहुँचेंगे तो हाउ भी नहीं पहुँचेंगे। इवन वाई तक पहुँचने के लिए जो रूल बेस्ड चीज़ों से हटके आपको, आपका एक जो ट्रेनिंग होती है उसमें एक इंटरप्रिटेशन आपका डेवलप होता है, एक माइंडसेट, एक फ्रेमवर्क डेवलप होता है कि आपके इसके पीछे के लॉजिक समझ पाएं कि किस तरह से अगर ये मूवमेंट होगी तो क्यों होगी, इसके आंसर्स। ऑलराइट, एक्यूरेसी जब तक नहीं आएगी तब तक आप वाई तक नहीं पहुंच सकते। और जो भी यहाँ पर चीज़ें हम लोगों ने पॉइंट्स लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, इसमें जो भी चीज़ें हैं ये एक रूल्स हैं, और अब जो ये रूल्स हैं, जो 5 रूल्स हम लोगों ने लिखे हैं कि सेल एट रेसिस्टेंस, आप सोचो कि सेल एट रेसिस्टेंस कौन से रेसिस्टेंस है, वही रेसिस्टेंस इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके आंसर्स नहीं मिलते। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई तो हर जगह बन रहा है, तो उसी लेवल से मार्केट ट्रेंड चेंज क्यों नहीं कर रहा है। आरएसआई, आरएसआई कौन से टाइम फ्रेम पर, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर या फिर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। मूविंग एवरेज, 200 के हम लोग नीचे हैं तो हम लोग एक सेल ट्रेड ढूंढेंगे, जब भी मार्केट 200 लेवल को टच करेगा सेलिंग करेंगे, तो कौन से टाइम फ्रेम पे, आप 1 आवर पे सेल करोगे, आप 1 डे पे करके देखो, आपका पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, आई होप कि जो चीज़ें मैं समझाना चाह रहा हूँ वो कंसेप्ट आपने समझा होगा, और वाई एंड हाउ तक जब तक आप नहीं पहुँचेंगे एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के चांसेस नहीं है। आप अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, प्रॉफिट अगर आप बना रहे हो फिर लूज़ कर रहे हो तो आप लूज़ ही कर रहे हो, उसे प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब है कंसिस्टेंट प्रॉफिट। और जिस ट्रेड के पूरा सेटिस्फेक्शन हो आपको, पूरे ट्रेंड को जब आप समझते हो कि ठीक है आप सेलिंग आ रही है तो क्यों, बाइंग आ रही हो है तो क्यों, और जो आंसर्स आप जानते हैं, ट्रेड्स अगर उस तरीके से परफॉर्म करते हैं फिर आपको सेटिस्फेक्शन आता है, फिर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आती है। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं सिर्फ प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। अगर आप इस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं,
आप चाहते हैं कि प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन सीखना, तो मेरी डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और देखिए, इस कोर्स को शुरू करने से पहले एक कन्वर्सेशन होगा, एक डिस्कशन होगा आपके साथ, और उसके बाद ही सबसे पहले तो इसमें ये समझना होगा कि आप किस लेवल पर हैं, आप इन चीज़ों को किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या हैं, उसके बाद ही कोर्स का इनिशिएशन हो सकता है। और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ऑलराइट गाइस, थैंक्स।